अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आ गई हूँ क्लीनिंग एंड कुकिंग का मेरा आफ्टरनून का रूटीन और वीडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अराउंड ये 11:30 है। तो सारा काम हो चुका है मेरा, बस थोड़ा सा डस्टिंग एंड हॉल थोड़ा सा टाइडी करना था मुझे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ टीवी यूनिट, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डस्ट आ गया है, वाइट है ना, तो कितना भी आप करो वो थोड़ा सा एक लेयर लग ही जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बस इसे अच्छे से थोड़ा डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी तक हमने अपना टीवी क्रिसमस ट्री हटाया नहीं है, तो बस यही सब चल रहा है जो नॉर्मल वर्क होते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें फैली हुई है ना वो मैं यहाँ से हटा दूँगी ताकि थोड़ा सा रूम फ्रेश लगे और सेट लगे। तो मैंने सेंटर टेबल भी अच्छे से क्लीन अप कर दिया है, सब साफ कर दिया है। और चलिए अब पहुँच जाते हैं किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन और चना दाल फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑयल ले लिया है ना, और अब मैंने इसमें डाल दिया है हींग। तो और उसके साथ साथ मैंने डाला है साबुत जीरा और साबुत लाल मिर्च। तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा चटकने देंगे एंड देन इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो इसके साथ हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड अनियंस। तो यहाँ पे मैंने दो अनियंस लिए हैं चॉप किए हुए, और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज ना कर दे। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी इस तरह से बनती है, बहुत कम मसाले और बहुत कम ऑयल में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यमी लगता है और आप इसे किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे मैंने ना आलू और बैंगन को काट के पहले से पानी में रख दिया था ताकि वो ब्लैक ना हो। और यहाँ पे मैं फटाफट से इसमें ऐड कर देती हूँ, साथ के साथ मैं चलाते जाऊँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके ऑयल के साथ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा सूखा मसाला डाल रही हूँ। सूखे मसाले में है नॉर्मल वही हल्दी, मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा सब्जी पाउडर और गरम मसाला, दैट्स इट। और बहुत थोड़े थोड़े, ये नहीं कि तीन तीन चम्मच, चार चार चम्मच करके। और यहाँ पे मैंने कटे हुए टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं। तो देख रहे हैं अभी मैं इसे अच्छे से फ्राई करते जाऊंगी। और हमें ना ज़्यादा इसमें पानी डालना नहीं होता, थोड़ा सा ड्राई ड्राई ही रखना है। सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दिया है जिससे कि ये अच्छे से सब्जी और मसाले एक दूसरे के साथ मिल जाए। बहुत थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें ना इसे अच्छे से चलाना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है ना, अभी तो ये हाफ ही डन हुआ है, बस हमें इसे ऐसे ही ढक ढक के ही पकाना है। यहाँ पे हम ढक देते हैं और चलिए हम तैयारी करते हैं दूसरी चीज़ की। यहाँ पे देखिए हमारी दाल ना ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है, चना दाल है। तो ये देखिए हमने ढक ढक के सब्जी को काफ़ी देर तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाया है, और इस तरह से हमारी ऑलमोस्ट ये ढाबा स्टाइल आलू बैंगन की सब्जी रेडी है। तो बस इसी तरह से सिंपल आप रोज़ के लिए सिंपल सी सब्जी बना सकते हैं जो बिल्कुल यमी लगती है और हेल्दी भी है क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मैंने दूसरा तड़का पैन ले लिया है और मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, घी है सॉरी, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने दाल तड़का की तैयारी। तो यहाँ पे हींग मैं ले रही हूँ, 1/4 स्पून हींग है, साथ में ये खड़े मसाले हैं तेज पत्ता, मिर्ची, इलायची, ज़ीरा और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, और 7-8
इसमें मैंने ब्लैक पेपर के लिए है, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम, और इसे अच्छे से हम सॉटे करेंगे ताकि अच्छे से ये ना चटक जाए। तो बस इस तरह से, और यहाँ पे तड़के का खास ख्याल रखना है खड़े मसालों में, क्योंकि इसका खड़ा मसाला बिल्कुल थोड़ा अलग पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप्ड अनियन लिए हैं, यहाँ भी मैंने दो अनियन लिए हैं मीडियम साइज, एंड इसके साथ ही साथ इसे थोड़ा सॉटे करेंगे और इसमें हम मिला देंगे टोमेटोज। और मेनली क्या होता है ना गाइस, कि आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है जब भी आप मसाले बनाते हैं सब्ज़ी की दाल की, क्योंकि आप अगर बहुत हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो वो जल जाएगी और वो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए थोड़ा मीडियम फ्लेम पे अगर आप मसाले भुनेंगे ना, तो बहुत कम मसाले और ऑयल में भी आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टोमेटोज, और कितना प्यारा सा कलर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे बस इसे तब तक फ्राई करेंगे, बहुत फ्राई नहीं करना है जब तक कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट ना हो जाए टोमेटोज। और ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पक रहा है, और अब टाइम आ जाता है ना हमें इसमें थोड़ा सा सूखे मसाले डालने की। यहाँ पे मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, दैट्स इट। इसमें और मैं कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ, इसका खुद का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से चलाते हुए ना हमें इसे फ्राई कर लेना है, और उसके बाद ना जब ये फ्राई हो जाएगा, मैं इसको वापस से बॉयल्ड दाल में डाल के एक सीटी लगा देती हूँ, जिससे क्या होता है ना जितना फ्लेवर होता है मसाले का और खड़े मसाले का वो बहुत अच्छे से दाल में मिक्स हो जाता है और बहुत यमी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ये जो दाल बॉयल किया है बिल्कुल टर्मरिक और सॉल्ट डाल के, दैट्स इट। इसमें मैं ये जो इसका तड़का है, तड़का मसाला, वो उसमें मैं मिला दूँगी और बस एक विसल लगा दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा सिम कर दूंगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एंड देन हमारा यमी सा हेल्दी सा प्रोटीन से भरपूर दाल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बेसन के लिए लगा दिया है, एंड देन उसके बाद साथ साथ हमारा राइस भी रेडी हो गया है। और ये देखिए मैंने प्रेजेंट कर दिया है, ये हमारा दाल तड़का और ये आलू बैगन बिल्कुल ढाबा स्टाइल। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए रोज़ के खाने में कितना यमी लगता है, और बिल्कुल ऑयली और बहुत मसालेदार नहीं होता है। तो होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, बट मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, तो मुझे इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।